Afternoon student, we are going to discuss about the electric potential at a point due to a group of charges. Our second topic of my kya hai? Electric potential due to electric dipole. देखिए अपन ने electric potential at a point due to single charge निकाला था और उसका formula अपने पास में आया था K Q upon R. यहाँ पे अपन एक system ले रहे हैं जहाँ पे Q1, Q2, Q3 और Qn तक charges हैं और ये P point अपन ने frame of reference में लिया 0, 0 coordinate पे, ठीक है? तो Q1 का position vector अपन क्या ले रहे हैं? R1, Q2 का position vector ले रहे हैं R2 और Q3 का position vector ले रहे हैं R3. इसी तरह से Qn का position vector अपन ले रहे हैं Rn, ठीक है? तो इस तरह से इनके सबके बीच की individual जो difference वो distance हो जाएगी वो R1, R2 से लेके Rn तक होगी. अब पोटेंशियल के एक्चुअल में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क पर यूनिट चार्ज से अपने पास में ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बना था? KQ अपॉन R. अब देखिए यदि अपन P पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट पे Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? KQ1 अपॉन R1. अब इसी P पॉइंट पे यदि Q2 की वजह से अपन यदि पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी? K Q2 upon R2. R3 की वजह से क्या होगा? K Q3 upon R3. और Q N के लिए क्या हो जाएगा? K Q N upon R N. अब यदि इन सब की वजह से पोटेंशियल P पोटेंशियल निकाले अपन P पॉइंट पे तो ये क्या होगा? इन सब का एल्जेब्रिक सम होगा और ये क्या हो जाएगा? V is equal to V1 plus V2 और V N तक. इसमें से यदि ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए k सब में से कॉमन आ जाएगा तो ये फॉर्मूला अपना बनेगा q1 upon r1 plus q2 upon r2 plus qn upon rn. और इसको यदि अपन समीशन फॉर्म में लिखते हैं तो k की वैल्यू पुट करेंगे तो k की वैल्यू अपने पास में होती है 1 upon 4 pi epsilon naught और ये समीशन qi से लेके ri तक i की वैल्यू अपन ले रहे हैं 1 to n. तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. किसके लिए? ग्रुप ऑफ चार्जेज के लिए. अब अपने पास में जो सेकंड टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अब अपन डाइपोल की वजह से निकालेंगे और ये अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो आप अच्छे से ध्यान वो करेंगे इसको तैयार है और किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे ये अपन को निकालना. देखिए अपन एक डाइपोल ले रहे हैं तो डाइपोल को अपन पहले ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अपने पास में एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें ए पॉइंट पे अपन ले रहे हैं नेगेटिव क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे ले रहे हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज. इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो अपन टू ए लेते हैं तो सेंटर पॉइंट से ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस ए है और ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए, ठीक है. अब अपन एक P पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे अपन निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इन माइनस Q चार्ज और पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से एक्चुअल में पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है. अब देखिए A पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है P पॉइंट की वो है R1, सेंटर से है R और पॉजिटिव चार्ज Q से डिस्टेंस है वो है R2. तो देखिए यदि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपन पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज. तो पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से ये वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपॉन आई टू. और यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव क्यू चार्ज से निकालें तो ये वैल्यू अपने पास में हो जाएगी के चार्ज नेगेटिव है आर वन. तो यदि टोटल पोटेंशियल की वैल्यू अपन निकालें तो देखिए ये क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू. अब यदि इसको वी वन लें और इसको वी टू लें तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर टू और माइनस के क्यू अपॉन आर वन. इसमें देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यदि के क्यू को अपन बाहर ले लें तो ये आ जाएगा वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन. K
की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन आर टू और वन अपॉन आर वन। अब देखिए आर वन और आर टू की वैल्यू यदि अपन निकालते हैं तो अपन ने क्या लिया है, जो सेंटर पॉइंट ओ से जो डायरेक्शन ली है उसके साथ में डायपोल के डायरेक्शन से अपन एंगल ले रहे हैं थीटा। तो ये एंगल है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये थीटा होगा। और बी पॉइंट से यदि अपन परपेंडिकुलर डालते हैं तो देखिए ये थीटा से लगी हुई साइड है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ये अपने पास में आ जाएगी ओ एन, ये होगी ए कॉस थीटा। ऐसे ही यदि ओ से लेके एम तक की बात करें तो ओ एम अपने पास में क्या होगा, ये भी देखिए थीटा से लगी हुई साइड है तो ये भी होगा ए कॉस थीटा। अब यदि थीटा के सामने वाली साइड इसकी बात करें तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, बीएल। तो बीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के लिए साइन थीटा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। अब यदि अपन इसकी वैल्यू निकालें एम ए की तो एम ए भी अपने पास में क्या होगा, ए साइन थीटा। ठीक है। और यदि अपन इसमें जैसे ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो आर और आर टू का रिलेशन निकालें तो आर टू अपने पास में इस ट्राइंगल के लिए, कौन से ट्राइंगल के लिए, बी एल पी के लिए। तो देखिए अपन ले ट्राइंगल बी एल पी से तो ये क्या हो जाएगा, ये है आर टू तो आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये आर का स्क्वायर। और आर ये पूरा नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, एल से लेके पी तक की डिस्टेंस है। तो एक बार अपन लिख लें एल पी का स्क्वायर और बी एल का स्क्वायर। एक्चुअल में एल पी क्या है, आर में से ए कॉस थीटा कम है तो ये हो जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है अपनी वो आई है ए साइन है थीटा। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से यदि अपन होते हैं तो ए स्क्वायर और फिर क्या होगा, माइनस टू ए बी तो माइनस टू ए आर कॉस थीटा और बी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर को यदि कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन। और इसको यदि अपन इस तरह से लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। एक्चुअल में देखिए ए अपने पास में क्या है, जो डाइपोल की डिस्टेंस है उसकी हाफ डिस्टेंस है तो ये काफी कम होती है और इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो इस टर्म को अपन चाहे तो यहीं पे नेगेट कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो आगे भी कर सकते हैं। तो यदि आर टू की वैल्यू निकालें तो आर टू एक्चुअल में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर टू ए आर कॉस थीटा का अंडर रूट। और इसमें से आर स्क्वायर को यदि अपन बाहर निकाल रहे हैं तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये तो क्या हो जाएगा आर, और यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा वन। और इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेना चाह रहे हैं तो नीचे आर आएगा तो ये हो जाएगा टू ए आर कॉस थीटा। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो अपन को एक आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास में ये हो जाएगी। अब यदि इसको बाइनोमियल फॉर्म से खोलते हैं तो देखिए ये होता है एक्चुअल में वन प्लस एक्स की पावर एन। तो आगे वाली टर्म को यदि अपन नेगलेक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, वन प्लस एन एक्स, एन की जगह अपने पास में क्या है, वन बाई टू। तो इसको अपन चाहे तो यहीं पे खोल सकते हैं और चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आर टू की वैल्यू अपन इस फॉर्म में रखेंगे तो देखो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर और यहाँ से वन बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस ए अपॉन आर कॉस थीटा। ये वैल्यू अपने पास में किसकी आ जाएगी, आर टू की आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यदि इसको आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसके
इसकी वैल्यू यदि अपन पुट करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर और ये है 1 माइनस ए अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही देखिए आर वन की वैल्यू अपन निकालते हैं तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में डिफरेंस देखिए आप, इस ट्रायंगल में जो अपने आर टू की वैल्यू थी और ये आर का रिलेशन था इसमें क्या था ए कॉस थीटा माइनस हो रहा था, जबकि यहाँ पे ये ए कॉस थीटा क्या होगा ऐड होगा, तो इसमें अपने पास में माइनस का आया है और आर वन के लिए ये निशान क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आर वन प्लस ए अपॉन आर कॉस थीटा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यदि मैं लिख लेती हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये अपना जो फॉर्मूला बन रहा है ये a माइनस बी और a प्लस बी का बन रहा है, 1 अपॉन आर को अपन बाहर ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये कॉमन ले चुकी हूँ मैं और इसमें देखिए यदि अपन एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यदि अपन इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी और ये एक्चुअल में क्या हो जाएगी ए अपॉन आर कॉस थीटा और इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, माइनस का निशान पहले से है तो ये माइनस हो जाएगा 1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए कि ए स्क्वायर आ रहा है तो इस टर्म को अपन क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं और 1 का स्क्वायर एक्चुअल में क्या होगा 1, तो यहाँ पे अपने पास में ये 1 और ये 1 भी कैंसिल हो रहा है और ये बचेगा ए अपॉन आर कॉस थीटा। तो इसको यदि आगे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यहाँ जो बच रहा है वो है ए और दो टर्म है तो 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और एक आर नीचे है डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब टू ए क्यू को अपन क्या लिखा था, ये डाइपोल मोमेंट था